हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूं उप यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग टॉप 500 हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो सीरीज में, जो कि आपके IOCL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन फालतू का नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर और आगे आने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कैविटेशन इज अकर्स एट, कैविटेशन कब अकर्स होता है, ठीक है। जब लो प्रेशर रीजन क्रिएट होता है उस जगह पे कैविटेशन अकर्स हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आइडियल फ्लूड हैज, आइडियल फ्लूड के पास क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, आइडियल फ्लूड के पास जीरो विस्कोसिटी होता है, जीरो सरफेस टेंशन होता है। जीरो विस्कोसिटी हो गया, जीरो सरफेस टेंशन हो गया, या फिर एक और होता है जो कि इनकंप्रेसिबल होता है, ठीक है। क्या होता है? जीरो विस्कोसिटी, जीरो सरफेस टेंशन और इनकंप्रेसिबल, दैट मींस कि डेंसिटी कभी भी उसका चेंज नहीं करता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? तो याद रखिएगा, सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर। ये तो मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, बहुत बार ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ ये भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ये भी दे दिया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेजिंग इन पंप इज डन फॉर, क्यों स्टेजिंग किया जाता है? तो आप सिंपल याद रखिएगा, इंक्रीज हेड, ठीक है, और फर्स्ट प्रीफर आपको यही करना है इंक्रीज हेड के लिए, और इंक्रीज फ्लो रेट के लिए भी होता है, बट डायरेक्टली अगर ऐसे पूछ दिया जाए और ऑप्शन आपको एक ही सिलेक्ट करना होगा तो उस केस में आप इंक्रीज हेड को प्रीफर कीजिएगा। अगर बोथ ए एंड बी देता है तो उस समय आप सोच सकते हैं इसके बारे में, बट ऐसे मत सोचिएगा। क्यों, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? इंक्रीज हेड अगर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं तो हेड इंक्रीज करता है, फ्लो रेट हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, बट अगर हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं, पैरेलल स्टेजिंग कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है? हमारा फ्लो रेट इंक्रीज कर जाता है, हेड हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप इज यूज्ड फॉर, क्यों यूज किया जाता है? तो इसलिए यूज किया जाता है हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड, जहां पे हमको चाहिए उस जगह पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकेटिंग पंप इज यूज्ड फॉर, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है, रेसिप्रोकेटिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है? हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए, हमको डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, उसके हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल इज मेजर्ड बाई, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में बोलेगा तो आप याद रखिएगा बॉम्ब कैलोरी मीटर, ठीक है, सॉलिड एंड लिक्विड के केस में बॉम्ब कैलोरी मीटर। और अगर लिक्विड और गैस बोल दे, लिक्विड और गैस बोल दे, तो उस केस में आप याद रखिएगा बॉयज कैलोरी मीटर, या फिर इसी को हम लोग गैस कैलोरी मीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस कैलोरी मीटर, या फिर बॉयज या जंकर कैलोरी मीटर भी लिखा हुआ रहता है। तो आप इस तरीके से आप ऑप्शन को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, तो आप इजिली सेलेक्ट कर पाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस एंड लिक्विड फ्यूल इज मेजर्ड बाय, क्या होता है? गैस कैलोरीमीटर से मेजर कर सकते हैं, बॉयज कैलोरीमीटर, या फिर जंकर गैस कैलोरीमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बॉयलर प्लेट इज मेड अप ऑफ, कौन से मटेरियल का बना रहता है? तो माइल्ड स्टील का बनाता है। थिकनेस कितना चाहिए? तो नॉट लेस देन 8 mm या 7 mm देता है, तो आप दोनों में से एक चीज याद रखिए तो उसमें आपको अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, थिकनेस ऑफ बॉयलर प्लेट शुड नॉट बी लेस देन, कितना mm? तो लेस देन 7 mm, मतलब 7 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन गैस इज स्टोर्ड इन डॉट सिलेंडर, कैसा सिलेंडर होता है? तो मैरून कलर का सिलेंडर होता है और वो सीमलेस सिलेंडर होता है। सीमलेस का मतलब क्या होता है? उसमें कोई भी ज्वाइंट नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन गैस इज स्टोर्ड इन किस तरीके के सिलेंडर में? तो ब्लैक कलर के सिलेंडर में, और ये भी हमारा सीमलेस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एसिटिलीन गैस स्टोर्ड इन सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होता है? तो लिक्विड स्टेट में, एक तो आपको इस तरीके से पूछेगा तो, और अगर और पूछ देगा इसमें तो एसीटोन भी आप याद रखें, एसीटोन के फॉर्म में एसिटिलीन को किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, कितने डिग्री पे मैक्सिमम होता है? तो एट 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
नोच इज यूज टू मेजर, नोच किस लिए मेजर करते हैं, मतलब नोच किस लिए इस्तेमाल होता है, तो नोच इस्तेमाल होता है फ्लो रेट मेजर करने के लिए, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए, या फिर वॉल्यूम फ्लो रेट भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी, आप ऑप्शन का वेरिएशन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में रह सकता है। अब आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ आयरन इज, क्या होगा, कॉन्स्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट एट पर्टिकुलर कार्बन परसेंटेज, वेरीज विथ परसेंटेज ऑफ कार्बन, के नन ऑफ दिस, क्या होगा आंसर, आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और आप जरूर नीचे सजेस्ट कीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको कितने होने चाहिए सेट में, तो आप बता दीजिएगा मुझे, उस तरीके से मैं अपने लेक्चर को डिजाइन करके, तो जरूर से जरूर बताइए कि कितना क्वेश्चन चाहिए, और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।